हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का, जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम लोग कौन सा इसमें हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। ये पहला लेक्चर है, इसमें हम लोग देखेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। और अभी जितने रिसेंट के एग्जाम हुए हैं, आप लोग उठा के देख लीजिएगा, अगर वैदिक पीरियड से कोई क्वेश्चन आया होगा तो वो इन्हीं सब में से होगा, ठीक है। और ये एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, लिमिटेड क्वेश्चन है, आपका टाइम भी कम लगेगा। अभी जितने भी एनटीपीसी का रिसेंट एग्जाम हुआ, उसमें अगर वैदिक पीरियड से कोई क्वेश्चन आया होगा तो यही सब होगा, आप लोग मिला के देख लीजिएगा। चलिए चालू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक, कौन सा बुक से लिया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी मैं करा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और गायत्री मंत्र हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ऋग्वेदा, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है। देखिए इसमें ना 10 मंडल होते हैं, मतलब मंडल मतलब चैप्टर समझ लीजिए, 10 मंडल। और इसमें एक और 10 ये लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया है, लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। अब देखिए गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेदा से तो लिया गया, पूछता है कौन से मंडल से इसे लिया गया है, तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद का 3rd मंडल से लिया गया है। ठीक है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है ना, आपको इसके साथ अलग से पांच छह, हर एक क्वेश्चन में पांच छह क्वेश्चन बनते मिलेंगे आपको, इतना इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि। तो चलिए देखते हैं, अब इसमें पूछेगा कितने हाइम्स होते हैं, तो इसमें 62 हाइमंस होते हैं, ठीक है। और ये पूछेगा कि ये मंडल जो है 3rd मंडल वो किसे डिवोट करता है, ठीक है। तो ये अग्नि को, अग्नि एंड इंदिरा को, ठीक है, अग्नि एंड एंड इंदिरा को डिवोट करता है, इंद्र भगवान को, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि गायत्री मंत्र को और क्या बोलते हैं, तो लिख लीजिए, गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी बोला जाता है, ये सब याद रखिएगा, कभी गायत्री मंत्र की जगह सावित्री मंत्र दे देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए ये सबको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका अंतिम क्वेश्चन ये बनेगा कि जो गायत्री मंत्र है इसको किसने लिखा है, इसको कंपोज किसने किया है, तो ये ऋषि लिख देता हूँ मैं, विश्वामित्र के द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा इसे कंपोज किया गया। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, अब इससे बाहर क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले नहीं आने वाला, ये एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम में खासकर, या जितने टीसीएस जो कंडक्ट करवाती है, इससे बाहर नहीं जाएगा ये टॉपिक का, आप लोग देख लीजिए इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते, ठीक है, काफ़ी नाम सुने होंगे सत्यमेव जयते, जो मोटो भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, और इंडियन एम्बेलम जो है, एम्बलम वो भी सारनाथ पिलर यूपी का है, और वो पूछा गया कि सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया, टेकन फ्रॉम, देखिए ऑप्शन देखिए, ऋग्वेदा, भागवत गीता, मुंडोका उपनिषद, ठीक है, और मत्स्य पुराण, ठीक है। तो ये होगा आपका मुंडोका उपनिषद, ठीक है।
चलिए, और ये मोटो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है, ये तो बता ही दिया आपको। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैच द फॉलोइंग, लिस्ट वन लिस्ट टू दिया है, और एक तब रिवर का नाम दिया वैदिक रिवर, और उसका मॉडर्न नेम क्या है। देखिए कुभा, कुभा को काबुल बोलते हैं, काबुल रिवर, ठीक है। और पुरुषनी, देखिए पुरुषनी, पुरुषनी को अभी लेटेस्ट में क्या बोलते हैं, रावी बोलते हैं, ठीक है। सदानीरा को क्या बोलते हैं, सदानीरा को हम लोग गंडक बोलते हैं, ठीक है। सतुदरी को क्या बोलते हैं, सतलज, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रहेगा। और भी इम्पोर्टेंट रिवर है उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि एंशियंट नेम क्या था और उसका करेंट नेम क्या है। देखिए लिख लीजिए एक तरफ, एंशियंट नेम एक तरफ लिख लीजिए, करेंट नेम। देखिए सबसे पहले एंशियंट नेम सिंधु, ये किसका करेंट नेम है, तो ये इंडस रिवर का है, अभी भी हिंदी में नाम वही है, सिंधु ही है, इंडस। अब देखिए इससे एक एक बात याद रखिएगा कि ये सबसे ज़्यादा अगर मेंशन है कोई रिवर तो वो सिंधु रिवर है, किसमें, ऋग्वेदा में, ठीक है। 10 टाइम्स इसका जिक्र है, किस रिवर का, सिंधु रिवर का, यानी इंडस रिवर का, इन ऋग्वेदा। ठीक है, अब देखिए एंशियंट नेम वितस्ता, ये किसका नाम है, झेलम का, झेलम को बोलते हैं, ठीक है। अब अस्किनी किसका एंशियंट नेम है, जल्दी बताइए आप लोग, अस्किनी है चनेब का, ठीक है। और बिपाशा ये किसका नाम है, एंशियंट नेम, तो आप लोग बोलेंगे ब्यास का, किसका है, ब्यास का, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। और एक चीज़, जैसे आप लोगों ने देखा कि सिंधु रिवर को 10 बार जिक्र हुआ है ऋग्वेदा में, तो उसी तरह पूछ लेगा गंगा और यमुना का कितना बार जिक्र है। गंगा का 1 टाइम्स है जिक्र ऋग्वेदा में, यमुना का 2 टाइम्स, और सबसे पवित्र रिवर, सबसे स्केयर्ड रिवर कौन सा है, तो ये सरस्वती रिवर है। और ये मत देखिए कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये सब का नाम हिंदी में भी वही है, जैसे अस्किनी है तो हिंदी में भी अस्किनी ही लिखेंगे, जैसे सरस्वती है तो इसे देखिए हिंदी में मैं लिख देता हूँ, सबका हिंदी इंग्लिश सेम ही है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। देखिए सरस्वती को, सरस्वती रिवर का एंशियंट नेम क्या क्या है, इसका 3 नाम है, माते तमा बोलते हैं इसे, ठीक है, देवी तमा बोलते हैं, देवी तमा और एंड नदी तमा इनको बोलते हैं। ये सबसे पवित्र रिवर है वैदिक पीरियड का, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और गंगा का 1 बार जिक्र है, यमुना का 2 बार, इंडस का 10 बार, ये भी आता है एग्जाम में। देखिए इतने सारे क्वेश्चन हैं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विच ऑफ दी फॉलोइंग रिगार्डेड एज वार गॉड ऑफ ऋग्वेदा, वार गॉड, देखिए सबसे लड़ाई झगड़ा कौन कहते थे, इंद्र भगवान, आप लोग भी देखे होंगे महाभारत, श्री कृष्णा जो सीरियल आता था उनमें, तो आंसर क्या होगा, इंद्र भगवान, इंद्रा, ठीक है, इंद्रा को स्काई गॉड इंग्लिश में बोलते हैं,
स्काई गॉड, ठीक है। और इन पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने हाइमंस ऋग्वेदा में लिखा गया है इनके ऊपर, तो 250 याद रखिएगा। ढाई सौ हाइम्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखिए। द वर्ड यावा, ठीक है, मेंशन्ड इन ऋग्वेदा इन विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। देखिए यावा जो है वो बाजरे को बोलते हैं, आंसर होगा हमारा ए होगा। अब देख लेते हैं बाकी को क्या बोलते हैं। देखिए राइस जो है उसको बिरही बोलते हैं एंशियंट नेम में, वैदिक पीरियड में बिरही नाम से राइस को जाना जाता था, ठीक है। वीट को देख लेते हैं, देखिए एक मिनट, युदुमा बोलते हैं वीट को, क्या बोलते हैं इदुमा। ठीक है इदुमा वीट को। और देख लेते हैं सुगर केन को क्या बोलते हैं, इक्सु बोलते हैं, इक्सु सुगर केन को क्या बोलेंगे, इक्सु। फिर से देख लीजिए यावा किसका मॉडर्न एंशियंट नेम है, तो बाजरे का। विरही किसका किसका नाम है एंशियंट नेम है, तो राइस का। और सुगर केन इक्सु का, और वीट इदुमा एंशियंट नेम इदुमा है वीट का, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए द फेमस बैटल ऑफ टेन किंग्स, ठीक है, इज डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा वाज फाउट इन द बैंक्स ऑफ, किस रिवर के किनारे ये लड़ा गया था टेन किंग वार, ठीक है। तो चलिए इसके इसका पूरा थ्योरी आपको बताते हैं, फिर आप लोग खुद ही बता दीजिएगा क्या होगा आंसर। देखिए दस राजन वार, या हिंदी में दस राजन वार, जिसको बैटल ऑफ टेन किंग्स भी बोलते हैं, बैटल ऑफ टेन किंग्स, ठीक है। ये किसके किसके बीच में हुआ था और ये कहाँ हुआ था, सबसे पहले देख लीजिए ये कहाँ हुआ था। ये रावी रिवर के किनारे हुआ था, ठीक है। अब आप लोग बताइए, अभी मैंने बता चुका कि रावी रिवर का एंशियंट नेम क्या है, तो अभी मैंने बताया पुरुषनी है, पुरुषनी। अब ऊपर बताइए क्या आंसर होना चाहिए, तो पुरुषनी होगा, ठीक है। ये तो होगा नहीं, अश्किनी होगा नहीं, सरस्वती होगा नहीं, तो पुरुषनी होगा। और बाकी इसका डिटेल देख लीजिए, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये किनके बीच में हुआ था, पहला क्वेश्चन ये कि दस राजन वार किसके किसके बीच में हुआ था, या बैटल ऑफ टेन किंग्स किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये भारत ट्राइब और टेन किंग्स के बीच में हुआ था। टेन किंग्स में कौन कौन आते हैं, पहला इसमें दो आते हैं, पांच आर्यन ट्राइब होते हैं, पांच नॉन आर्यन ट्राइब होते हैं, फाइव आर्यन ट्राइब्स, फाइव नॉन आर्यन ट्राइब्स, ठीक है। अब देखिए किसके किसके बीच में होगा, भारत ट्राइब और टेन किंग्स के बीच में, जिसमें टेन किंग्स में फाइव आर्यन ट्राइब्स होते हैं और फाइव नॉन आर्यन ट्राइब्स होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत ट्राइब है, उसका कोई गुरु होंगे ना, एंशियंट पीरियड है तो गुरु ही होते थे, तो इनका गुरु कौन थे, तो इनका गुरु होंगे गुरु वशिष्ठ, ठीक है। और इन दोनों ट्राइब
का नेतृत्व किनके द्वारा, मतलब इन सब के गुरु कौन थे? तो इसमें गुरु विश्वामित्र थे। आपको लिख भी देता हूँ ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ऐसे बोल दूंगा तो शायद अच्छे से क्लियर नहीं होगा, कन्फ्यूजन रहेगा। ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, आपको भी पता है, इतना डिटेल से बता रहा हूँ। तो चलिए, अब गुरु विश्वामित्र, अब आप लोग बताइए, गायत्री मंत्र गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र में किसने लिखा था? ठीक है, गुरु विश्वामित्र आपको अभी ही बताया था, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में विनर कौन था, कौन जीता था? तो इसे गुरु विश्वामित्र यानी भारत ट्राइब विनर जीता था, भारत ट्राइब जीता था किसको हरा के, 10 किंग्स, जिसमें 5 आर्यन 5 नॉन आर्यन थे। विनर कौन थे? गुरु वशिष्ठ यानी भारत ट्राइब। ठीक है, देखिए इतना सारा है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन। आप इससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग आराम से आंसर कर देंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, ठीक है, ये फेमस मतलब मंत्र है, उच्चारण है। ठीक है, पूछा गया कि ओरिजिनली कहाँ से मतलब लिया गया है, कहाँ मेंशन है ये स्टेटमेंट, तमसो माँ ज्योतिर्गमया। ठीक है, तो ये उपनिषद से लिया गया, पुराण से नहीं लिया गया, महाकाव्य से नहीं लिया गया, इससे भी नहीं लिया गया, कहाँ से लिया गया? उपनिषद। और इसका तमसो मा ज्योतिर्गमय का मतलब मीनिंग होता है, फ्रॉम डार्कनेस लेड मी टू लाइट, यानी अंधेरा से उजाला की ओर, इसका मीनिंग यही होता है। ठीक है, और इसे और एक नाम से जाना जाता है, पूछ लेगा तमसो मा ज्योतिर्गमय का एक और नाम क्या है, तो इसे शांति मंत्र भी बोलते हैं, SHANTI, शांति मंत्र। इसका और एक नाम है शांति मंत्र, कुछ भी दे देगा कि शांति मंत्र कहाँ से लिया गया है, कहाँ मेंशन है, तो उपनिषद में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उपनिषद से लिया गया है, लेकिन 108 उपनिषद है, आपको भी पता है कि 108 उपनिषद है, तो उसमें से किससे लिया गया, उसका नाम बताइए। तो ये है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, थोड़ा तो सा नाम अजीब होता है, लिख देता हूँ, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि अच्छा बताइए, उपनिषद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट जो उपनिषद है वो कौन सा है? तो यही है ओल्डेस्ट उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद। ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एतरेय ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, तो ये ऋग्वेद से, ये सब नहीं होगा, ऋग्वेद से एसोसिएटेड है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको मैच करना है कि अथर्ववेद में किसके बारे में बताया गया, ऋग्वेद में किसके बारे में बताया गया, यजुर्वेद में किसके बारे में बताया गया, सामवेद में किसके ऊपर लिखा गया, मतलब सामवेद वेदा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वेदा जो है इसका मीनिंग क्या होता है। वेदा मतलब होता है नॉलेज, मीन्स क्या होता है नॉलेज, हिंदी वाले ध्यान दीजिए, इस नॉलेज का मतलब ज्ञान। ठीक है, ग्रुप डी वाले जो हैं, वेदा का मतलब क्या होगा, वेद का मतलब क्या होगा, वेद का मतलब ज्ञान। ठीक है, अब यथर्ववेद किसके बारे में लिखा गया है, मतलब इसमें क्या लिखा गया अथर्ववेद में, इसमें मेडिसिन के बारे में लिखा गया, मेडिसिन या कहीं दे देगा आपको स्पेल्स एंड चार्म,
स्पेल्स एंड चार मेडिसिन के जगह ये भी दे सकता है, ठीक है। इसका हिंदी हिंदी है औषधि एवं तंत्र मंत्र, ठीक है, औषधि एवं तंत्र मंत्र, ठीक है। कहाँ से हम कौन सा बुक में इसके बारे में बताया गया है, मेडिसिन स्पेल्स एंड चार्म यानी औषधि एवं तंत्र मंत्र, ये अथर्ववेद। अब देखते हैं ऋग्वेद में क्या बताया गया। ऋग्वेद बताइए, इसमें ईश्वर महिमा बताया गया, हाइम्स एंड प्रेयर्स, इसका मतलब होता है ईश्वर महिमा, ईश्वर महिमा, ठीक है। अब यजुर्वेद में किसके बारे में बताया गया, आप सोच के बताइए आप लोग। ठीक है, इसमें रिचुअल और सेक्रिफिशियल प्रोसेस के बारे में बताया गया, ठीक है। रिचुअल के बारे में क्या क्या कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी रिचुअल का मतलब समझ लीजिए हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्म कांड बोल सकते हैं, ठीक है। इसके जगह कर्म कांड भी दे सकते हैं। अब एक बचा सामवेद, सामवेद किसके बारे में, तो म्यूजिक के बारे में, एंशियंट बुक ऑफ म्यूजिक, या ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा बुक है एंशियंट, सबके बारे में ऐसे पूछ सकता है कि एंशियंट बुक ऑफ मेडिसिन या स्पेल्स एंड चार्म, तो यजुर्वेद कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन घुमा के, आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि एंशियंट बुक क्या होगा, वो सब यही होगा। जैसे पूछ देगा एंशियंट बुक ऑफ म्यूजिक तो सामवेद होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हम अथर्ववेद वेद को हटा दें, इसको हटा दें एक को, तो इन तीनों को मिला के यानी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, इन तीनों को मिला के ट्राई वेद बोलते हैं, ट्राई वेदा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं। मेन थीम ऑफ उपनिषद, ठीक है, उपनिषद 108 होता है, मैंने आपको बता दिया। और ये क्या है बेसिकली उपनिषद क्या है, तो ये फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म है या सनातन धर्म जो बोल लीजिए, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, होगा सोशल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, लॉ नहीं हो सकता, स्टेट नहीं हो सकता, तो फिलॉसफी इसका आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कि उपनिषद जो है इसका मीनिंग बता दीजिए, उपनिषद का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है सिटिंग नियर, मतलब पास बैठना, सिटिंग नियर, ठीक है। सारा क्लियर हो गया, अब चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता, नचिकेता नचिकेता का आप जानते होंगे, ये 12 साल का एक लड़का था, 12 ईयर, ठीक है। और यमा, यमा मतलब यमराज को एंशियंट नेम यमा ही बोलते थे, यम या यमा जो भी हिंदी में यम लिखा होगा, इंग्लिश में यमा, इज मेंशन इन द, किस में मेंशन है, तो ये कथा उपनिषद में मेंशन है। ये मतलब वार्तालाप होता है, ये जो नचिकेता के पिता होते हैं वो नचिकेता को बोल देते हैं, जा हम तुमको यमराज को दान दे दिए, मौत को दान दे दिए, तो ये यमराज से मिलने चले जाते हैं। और यमराज इनको बोलते हैं, 3 दिन इनको वेट करना पड़ता है यमराज से मिलने के लिए उनके गेट पे, तो यमराज इससे खुश होते हैं, बोलते हैं चलो तुम 3 वरदान मांग लो। तो ऐसा ही कुछ कहानी होता है, तब ये 2 वरदान, तो पहला वरदान तो ऐसे मांग लिया कि मेरे पिताजी जो नाराज हैं वो हमसे पहले जैसे बात करें, और सेकंड भी ऐसे ही कुछ मांगा था, और थर्ड में पूछा था कि मृत्यु का रहस्य क्या है। तो इन दोनों के बीच में यही वार्तालाप हुआ कि मीनिंग ऑफ डेथ और उसके बाद क्या होता है, लिख देता हूँ मैं, मौत का रहस्य के बारे में जाना, मृत्यु के रहस्य एंड उसके बाद क्या होता है एंड बियॉन्ड, ठीक है। सारा क्लियर हो गया, याद भी रहेगा, तो किस में होगा, कथा उपनिषद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा कंप्लीटेड
डेडिकेटेड ऑफ सोमा, ठीक है, ये सेवंथ मंडल नहीं होगा, एट नहीं होगा, टेन नहीं होगा, ये नाइन्थ मंडल होगा, ठीक है। सोमा मतलब जो कि कौन सा गॉड गॉड को बोला जाता है, तो ये गॉड ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंकिंग, गॉड ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंकिंग, उनको सोम सोम गॉड भी जाना जाता है, सोम गॉड के नाम से जाना जाता है, और उनके लिए नाइन्थ मंडल है। और दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन ये बनेगा, इसमें कितने हाइम्स है, तो 114 हाइमंस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्डेस्ट अमंग ऑल वेदा, तो इन सब में सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कौन है, देखिए यजुर्वेद, सोमवेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीनों नहीं है, ऋग्वेद सबसे एंशियंट है। और लगभग मैंने सारा चीज़ बता दिया, और पीछे जो सोम गॉड के बारे में बताया, और कुछ देख लेते हैं कि एंशियंट पीरियड में कौन कौन गॉड थे। देखिए इंदिरा, सबको जानते ही होंगे इंद्र भगवान, ये किसके देवता थे, तो गॉड ऑफ रेन। और पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा फेमस वैदिक पीरियड में कौन देवता थे, तो वो इंद्र भगवान ही होंगे, इंद्र। अग्नि तो पता ही है, गॉड ऑफ फायर, वरुण, वरुण किनके हैं, हवा के, एयर, और सावित्री, सावित्री इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा, ये सन के देवता हैं, गॉड सन को बोला जाता है, सावित्री, गॉड सन, ठीक है। चलिए हम लोगों ने आपको हमने आपको बैटल ऑफ 10 किंग्स बता दिया, इसमें और एक बैटल है जिसको पढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट है, उसका क्वेश्चन मैं नहीं लाया, इंक्लूड किया, उसके बारे में मैं बता देता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट बैटल है, ये लेटर वैदिक पीरियड का बात है, लेटर वैदिक पीरियड समझ लेंगे आप लोग, लिख भी देता हूँ, लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, अब आप पूछेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में कौन सा बैटल हुआ था, तो आप लोग महाभारत तो जानते ही होंगे, महाभारत वही हुआ था, महाभारत, ठीक है, जिसे और एक नाम से जाना जाता है, कौन सा नाम से, एंशियंट नेम क्या है, जो ओरिजिनल नेम है इसका, ये भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है, जय संहिता, जय संहिता। अब देखिए इसमें क्या हुआ था ना, ये मेनली लेटर वैदिक पीरियड में गंगा यमुना जो रीजन है वहाँ पे एक बैटल होता है, गंगा यमुना रीजन, वहाँ पे एक बैटल होता है, ठीक है, किसके किसके बीच में, दो ट्राइब के बीच में, टू ट्राइब्स, कौन कौन, एक भारत ट्राइब, एक पुरु ट्राइब, ठीक है, कौन से एरिया में होता है, स्टेट, स्टेट पूछे तो कुरु जनपद, पहले जनपद के नाम से जाना जाता था जितना भी किंगडम होता था, कुरु, कुरु जनपद, ठीक है, जनपद मतलब जो स्टेट होता था उसी को बोलते थे, स्टेट को, ठीक है। और कुरु जनपद में एक था हस्तिनापुर और एक था इंद्रप्रस्थ, एक क्या था, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर और एक इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर से कौन युद्ध कर रहा था, इन दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है, हस्तिनापुर से कौन था, कौरव,
और इंद्रप्रस्थ की ओर से कौन था? पांडव। और आपको, आप लोग सबको पता है कि जो वार हुआ वो कहाँ पे हुआ था, तो कुरुक्षेत्र में, इन दोनों के बीच में जो बैटल होता है। बैटल फील्ड कहाँ था? तो ये कुरुक्षेत्र जो अभी हरियाणा में है, यहाँ वार होता है। और इसमें विनर कौन होता है? तो सभी जानते हैं, पांडव होते हैं, कृष्ण भगवान इन्हीं के साथ थे। और इसे लार्जेस्ट इपिक इन द वर्ल्ड भी बोला जाता है, महाभारत को। ठीक है, लार्जेस्ट इपिक इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट इपिक इन द वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। और इसके ऑथर, लेखक का नाम पूछता है कि इसको किसने लिखा था, किनके द्वारा लिखा गया था। वेद व्यास, ऋषि वेद व्यास के द्वारा इन्हें लिखा गया था, महाभारत को लिखा गया था। ठीक है, अब कौन से लैंग्वेज में लिखे थे ये? तो ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखे थे, संस्कृत में। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब इसमें पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं, वर्सेस मतलब श्लोक, तो ये 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख। और एक दिलचस्प की बात यह है कि लेटर वैदिक पीरियड में ही ऋषि वाल्मीकि के द्वारा, ऋषि वाल्मीकि बताइए क्या लिखे थे? रामायण। ये भी संस्कृत लैंग्वेज में, पहले वही होता था संस्कृत लैंग्वेज में। और इसमें पूछेगा टोटल वर्सेस कितने हैं, मतलब श्लोक कितने हैं, तो 24,000 हैं। उसमें कितने थे? 1 लाख। इसमें कितने हैं? 24,000। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, लेटर वैदिक पीरियड में ही राजा मनु जो है वो मनुस्क्रिप्ट लिखे थे, ये भी संस्कृत लैंग्वेज में ही था। और मनुस्क्रिप्ट को फर्स्ट बुक ऑफ लॉज इन इन द वर्ल्ड बोला जाता है। ठीक है, मतलब कानून के बारे में पहला बुक जो है वर्ल्ड का कौन सा है? मनुस्क्रिप्ट। और मनुस्क्रिप्ट का जो ओरिजिनल वर्जन है ना, वो ये भी पूछा जाता है कि कहाँ रखा गया है, तो ये खुदाबक्श लाइब्रेरी पटना में रखा गया है। और इन्हें बोला जाता है फर्स्ट लॉ गिवर किंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। हाँ, तो चलिए दोस्तों, आपको क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। और मैंने वैदिक पीरियड का लगभग जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने हाल फिलहाल में आए हुए हैं या जितने आ सकते हैं, वो सारे मैंने करा दिए। और जितना भी टॉपिक इसमें आते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन के दौरान मैंने करा दिए। देखे कितना टाइम लगा, तो इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों लोग को ज़रूर बताइए इन सब के बारे में। और इससे बहुत क्वेश्चन आएगा, ये तो अभी चालू हुआ है। तो और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय